जनहित याचिका दायर कर आमजनों की मदद करने में आगे रहने वाले पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह समाज सेवी गुड्डू बाबा उर्फ विकास ने पूर्णिया के गुलाबबाग का मुआयना कर लोगों से समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। इस दरमियान उन्होंने आमजनों से गुलाबबाग बाजार में साफ सफाई, किसानों के लिए फसल के रखरखाव एवं किसानों व्यापारियों की समस्याओं के साथ साथ नो एंट्री से उत्पन्न व्यवसायियों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, जिसके बाद गुड्डू बाबा ने कहा कि इन समस्याओं के निदान के लिए पहले वे प्रशासनिक अधिकारियों एवं राज्य सरकार से बातें करेंगे और जरूरत पड़ी तो जनहित याचिका भी वे दायर कर सकते हैं। पटना से आया हूँ, मेरा नाम विकास चंद्र गुड्डू बाबा है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे जानकारी मिली इस क्षेत्र के बारे में कि आज से 3 साल पहले यह 2 लेन था, 2 गाड़ियों के आने जाने को रोक नहीं थी। 6 लेन होने के बावजूद किसानों का जो ट्रैक्टर आता है, किसानों का या आम लोगों का जो गाड़ी है उसको रोका जाता है। इसके पीछे क्या कारण है या तो हम लोग पटना में जाकर के लिखा पढ़ी करेंगे, DGP, गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी सभी को अवगत कराएंगे, क्योंकि मैं विजुअल मिले जा रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात भी किया और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या इसमें किसानों की है कि किसान सुबह में जो अपने मक्का को लेकर आते हैं और वो जब इस एरिया में आ जाते हैं बाजार समिति के पास, तो फिर लौटते समय उन्हें कहीं ना कहीं कुछ जो टेक्नोलॉजी होता है उस पर काम करना पड़ता है। जो भी है, हम लोग चाहेंगे कि जब ये बड़ा एक सोचने का विषय है, आश्चर्य लग रहा है कि जब 2 लेन था तब जाम नहीं लगती थी, 6 लेन है तो जाम क्यों लग रहा है। प्रशासन से हम लोग पूछेंगे, प्रशासन यदि नहीं मानेगी तो मैं आश्वस्त करता हूँ यहाँ के लोगों को कि जनहित याचिका मैं दायर करूँगा हम लोगों के हित में। लगातार पूर्णिया के गुलाबबाग के व्यापारियों के द्वारा जिला पदाधिकारी को नो एंट्री को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिसमें ये बताई गई थी कि गुलाबबाग मंडी के बाहर 600 दुकानें हैं और नो एंट्री लगाए जाने से उन 600 दुकानदारों के पेट पे लात मर गई है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, वो दुकान बंद करने की स्थिति में है। जिला पदाधिकारी को ये भी बताया गया था कि अगर नो एंट्री की समस्या यूँ ही बनी रही तो आप मुझे बाजार समिति में जो बाहर के दुकानदार उन्हें जगह दें, ताकि जो बाहर के दुकानदार हैं वो अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाए। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी उचित आश्वासन नहीं दिया गया, जिसको लेकर मैंने पटना के एक उच्च अधिवक्ता गुड्डू बाबा जो एक समाज सेवी है उनसे संपर्क किया और उन्हें अपना एक एप्लीकेशन सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं पहले आपका आवेदन पढ़ूंगा, आवेदन पढ़ने के बाद अगर ये समस्याएं लोगों से जुड़ी हुई होगी, आम लोगों की तकलीफ से जुड़ी होगी, तो निश्चित रूप में मैं इन पर कार्रवाई करूंगा, राज्य सरकार को लिखूंगा और इस पर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। आज गुड्डू बाबा पटना से सीधे चलकर गुलाबबाग के लोगों के लिए, गुलाबबाग के किसानों के लिए, कोसी के जो किसान हैं उनके लिए वो चलकर आए और आ करके अपने खुद चलकर मंडी गेट से लेकर सोनू चौक तक खुद चलकर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, नो एंट्री के नाम पर कैसे यहाँ पर लोग, किसान, व्यापारी, आम जन परेशान हैं। उन्होंने सभी वस्तु स्थिति को देखा, भापा और वापस चले गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से राज्य सरकार को लिखेंगे कि ये जो है गुलाबबाग के लोगों के लिए, गुलाबबाग के व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए और आम लोगों की परेशानी का नोविन की सबक बना हुआ है। ये गुड्डू बाबा हैं कौन, कौन सा संस्थान से जुड़े हुए हैं? ये गुड्डू बाबा एक सोशल वर्कर हैं, उच्च अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के, लगभग अभी तक 55 PIL हाई कोर्ट में और लगभग 10 PIL सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं और लगातार जो भी PIL उन्होंने किया है वो PIL निस्वार्थ किया है, समाज के हित में किया और सारे PIL को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने माना है कि इन्होंने जो भी PIL सही किया है। पूर्णिया के लाइन